जेके मीडिया में आप लोगों का स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी सुनील शर्मा जी, जिन्होंने अभी ओथ सेरामनी में जो है पावर कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ ली है और पावर डिपार्टमेंट सुनील जी के पास आया हुआ है। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, बिजली की बात करें, गर्मियां भी आ चुकी हैं, काफ़ी क्योस रहता है जम्मू कश्मीर में, किस तरह से आपके कुछ नए प्लान्स हैं जिसमें लोग जो हैं बिजली की कट से ना परेशान हो? पहले तो मैं आपको धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, चूंकि अब 30 अप्रैल को ही मैंने ओथ ली है और ओथ लेने के तुरंत बाद मैं ऋषिकेश गया हुआ था और जस्ट अभी मैं वहाँ से आया हूँ। इन जनरल पूरी स्टेट में पावर की थोड़ी बहुत दिक्कत है और इन पर्टिकुलर जम्मू में समर्स में बिजली की खपत ज़्यादा रहती है। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतनी हम पूरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए कड़ाई रहती है। अभी मुझे लगता है कि कल या परसों मैंने इस डिपार्टमेंट का रिव्यू रखा है, सारे एग्जीन्स चीफ इंजीनियर्स या जितने भी ऑफिसर्स हैं सबको बुलाया है। जो ग्राउंड की पोजीशन है, जो ग्राउंड की प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सुन के कोई न कोई हल हम निकालेंगे और ये एक चैलेंज है। मुझे उम्मीद है कि इस चैलेंज को स्वीकार करके हम कुछ न कुछ ज़रूर इसका हल निकालेंगे। सर, दो सवाल हैं, दोनों बिजली से ही जुड़े हुए हैं। एक तो जो बिजली की चोरी होती है उनके लिए आपका क्या अपील है और मीटरिंग जहाँ जहाँ पे नहीं हुई है कब तक हो पाएगी, और एक आपकी क्या अपील रहेगी, क्योंकि एक घरों में होता क्या है कि छः छः पाँच पाँच एसी लगे हुए हैं, चाहे एक कमरा खाली भी छोड़ देते हैं एसी लगा रहने दें, जिससे कि पूरा का पूरा बर्डन ट्रांसफार्मर पर आता है, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, पूरे मोहल्ले को सफ़र करना पड़ता है। क्या अपील रहेगी जनरल पब्लिक से आपकी? मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, चूँकि मैंने अभी इस डिपार्टमेंट में एंटर किया है और अभी मुझे नहीं लगता है कि इतना मुझे भी अभी नॉलेज है कि ग्राउंड में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक क्लियर इंटेंशन से जिससे एक आम जनमानस को सुविधा हो, ऐसी इंटेंशन लेकर मैं इस डिपार्टमेंट में कोशिश करूंगा कि जितनी भी सुविधाएं हम दे पाएँ एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए वो हम दें। और जिस प्रकार से आपने एयर कंडीशन्स की बात कही या दूसरी बाकी जितनी भी मशीनरीज हैं, हम देखेंगे इसको किस प्रकार से इसको कर्टेल करें और किस प्रकार से हम जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर पाए, तो वो एक वर्कआउट करने के बाद ही मैं बोल सकता हूँ। चूंकि अभी मैंने कोई मीटिंग नहीं ली, अभी इसके बारे में जाना नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि ये बोलना अभी ठीक होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी है अभी ये प्रश्न का उत्तर देना। एक बार मैं थोड़ा सा मीटिंग शीटिंग करके आ जाऊँ, उसके बाद मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। सर, जब आपके पास ट्रांसपोर्ट का भी विभाग था तो काफ़ी अच्छा ट्रांसपोर्ट का विभाग चलता रहा और लोगों को काफ़ी आशाएं थी और आप उस पर पूरा उतरे हैं। अब बिजली विभाग का भी आपके ऊपर दायित्व आया हुआ है, तो किस तरह से लोगों की जो है उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, खास करके जितना भी हमारा ये जो रिमोट एरियाज है, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि राजौरी के काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली नहीं पहुँच पाई, किश्तवाड़ से आप हैं, मचेल जब भी हम जाते हैं वहाँ पर भी बिजली का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, हालांकि कई बार जनरेटर्स काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ से दिए गए हैं J&K सरकार के, लेकिन आज भी गाँव ऐसे हैं जो बिजली से काफ़ी दूर हैं, किस तरह से उन गाँव तक बिजली पहुँच पाएगी? देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक प्रायोरिटी सेक्टर जो है वो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत सारी फंडिंग उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए की है। मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे जो एक्स डिप्टी CM जो पावर मिनिस्टर भी रहे डॉक्टर निर्मल सिंह जी को, बहुत अधिक उन्होंने काम किया, लेकिन चूंकि 70 सालों का एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसको पूरा करना था, वो ओवरनाइट वो सारी चेंजेस पॉसिबल नहीं थी। मैं आपको कहना चाहूँगा, डॉक्टर निर्मल सिंह जी के टाइम में ही मेरी सबसे दूर सबसे फॉर फ्लंग कॉन्स्टिट्यूंसी किश्तवाड़ है, जहाँ पे पैदल 15-15, 20-20 किलोमीटर चल के गांव आते हैं, वहाँ पे बिजली पहुँचाई अभी हमने, ये मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उनको। ठीक है, इन 2-2.5-3 सालों में चूंकि स्टेट की सेंसिटिवनेस को देखते हुए, बाकी चीज़ों को देखते हुए इतनी जल्दी हम पूरा नहीं कर पाए, तो जो उन्होंने काम किया है मैं उसको और ऐड करके
कम से कम आपको एक आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि अपनी सरकार के टेन्यूवर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो प्रायोरिटी सेक्टर पावर है, इसमें कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा घर जम्मू कश्मीर में नहीं रहेगा जहां पे हम पावर नहीं पहुंचाएं। और इसका इसके साथ साथ एक और इसका कंपोनेंट है जो पावर जनरेशन का है। सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो है हमारे जम्मू कश्मीर के अर्स्ट वाइल्ड डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, लगभग 20,000 मेगावाट पावर जनरेशन का एक पोटेंशियल है वहां पे। उसको भी पीछे भी बहुत इन 2-3 सालों में काम हुआ, एक तो प्रोजेक्ट लेटर ऑफ इंटेंट भी इशू किया है उस पर, और जो बाकी पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी जल्दी हम काम शुरू करने की कवायद शुरू करेंगे। और मुझे लगता है कि अपने सरकार के टेन्योर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन एक सेक्टर और पावर जनरेशन दूसरा सेक्टर, दोनों में हम मुझे लगता है कि अच्छा काम कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे पावर डेवलपमेंट मिनिस्टर सुनील शर्मा जी, जिन्होंने एक आशा बताई है कि आने वाला जो टेन्योर है जितना भी जो 3 साल का है उसके अंदर जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है हर गाँव तक बिजली पहुँचाने का, उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। और अब ऐसा लगता है कि शायद बिजली डिपार्टमेंट के अच्छे दिन आ चुके हैं। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चल्होत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए।